आगामी 20 दिसंबर को दुर्ग जिले के विभिन्न नगर निगमों में चुनाव होना है। इस दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को अपने दैनिक व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दुर्ग जिला उप चुनाव अधिकारी खेमलाल वर्मा ने व्यय लेखा दाखिल करने के संबंध में पूरब टाइम्स के माध्यम से विशेष जानकारी साझा की। प्रत्याशी व्यय का किस प्रकार से जानकारी देंगे? अभी नगर पालिका निर्वाचन में, नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994, इसके तहत जो संशोधन हुआ है व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने के संबंध में, अभी जैसा आपको बताया कि दुर्ग जिले के अंतर्गत नगरी निकायों में, चार नगरी निकायों में चुनाव पार्षद के पद हेतु चल रहा है। इसमें जो अभ्यर्थी हैं, ये जिनकी संख्या 720 है, प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा रखना है। इसके लिए उनको व्यय लेखा रजिस्टर भी प्रदाय किया गया है, प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया हुआ है। और जो व्यय लेखा का रजिस्टर है, उसे दिन प्रतिदिन के खर्चे का उसमें विवरण दर्ज करना है। और प्रत्येक अभ्यर्थी को पूरे निर्वाचन के दौरान, अर्थात नाम निर्देशन पत्र भरने के बाद और मतदान के पहले दो बार, जो निर्धारित तिथि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दी गई है, उस तिथि में लाकर के अपने व्यय लेखा के रजिस्टर की जांच करानी है, जिसमें उनके द्वारा भरी गई दिन प्रतिदिन की खर्चे का विवरण वाउचर सहित लाना है। वो जांच करके यदि कोई अभ्यर्थी व्यय लेखा रजिस्टर को संधारित करने में यदि उनको कोई दिक्कत है, तो हमारे जो व्यय लेखा संपरीक्षक हैं उनको निर्देश भी दे रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं। यदि कोई ऐसे अभ्यर्थी जो इन नगरी निकायों में चुनाव लड़ रहे हैं और उनको व्यय लेखा रजिस्टर संधारित करने की प्रक्रिया यदि नहीं मालूम है, तो वो नगर निगम, संबंधित नगर निगम के या रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में कार्य करने वाले व्यय लेखा संपरीक्षकों से जाकर के मिल करके भरने की तरीका भी उनसे जान सकते हैं। तो इसमें नाम निर्देशन पत्र भरने के बाद से लेकर के और मतदान की तिथि के पहले दो बार, जो निर्धारित तिथि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को दी है, उस तिथि में उनको ले जाकर के व्यय लेखा रजिस्टर दिखाना है। दूसरा, जब निर्वाचन समाप्त हो जाता है, अर्थात मतगणना के उपरांत परिणाम की घोषणा हो जाती है, उसके घोषणा से 30 दिन के अंदर उनको अपना व्यय लेखा अंतिम रूप से करके उसको व्यय वाउचरों के साथ ले जा करके उसको जमा करना है। उसकी जांच कराने वाली बात वहीं होगी और जांच कराने के बाद उनको शपथ पत्र के साथ उस व्यय लेखा रजिस्टर को जमा भी करना है। इसमें व्यय की सीमा तय की गई है। नगर पालिक निगमों में जहां 3 लाख से अधिक आबादी है, वहां 5 लाख रुपए तक की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। जहां की निगमों में जनसंख्या 3 लाख से कम है, वहां 3 लाख निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषदों में 1.5 लाख रुपए इसकी व्यय अधिकतम सीमा है और नगर पंचायतों में इसके लिए 50,000 की तय व्यय सीमा निर्धारित की गई है। ये तो अनुदेश जो दिए गए हैं, ये संबंधित सभी अभ्यर्थियों को इसका पालन करना है। सभी अभ्यर्थियों को अपने व्यय लेखा का रजिस्टर संधारित करके उसको मतगणना समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर उनको जमा भी करना है। यदि वे जमा करने में असफल रहते हैं, तो आगे आने वाले समय में आयोग अधिकतम उनको 6 वर्ष की अवधि तक के लिए निर्वाचन लड़ने से अयोग्य ठहरा सकती है। इसलिए इसका जमा करना आवश्यक है। सर, व्यय संबंधी अगर कोई अभ्यर्थी किसी दूसरे अभ्यर्थी की शिकायत करना चाहता है, तो कैसे और कहां कर सकता है? व्यय लेखा के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की अन्य अभ्यर्थियों से शिकायत है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में व्यय जो प्रेक्षक होते हैं उनके समक्ष कर सकते हैं, और व्यय प्रेक्षक इसको अपने व्यय लेखा संपरीक्षकों के माध्यम से जांच करा सकते हैं। ये जो व्यय प्रेक्षक हैं, ये व्यय लेखा से संबंधित समस्त प्रकार की शिकायतों का निराकरण करने के लिए भी उनको अधिकृत किया गया है, और वे जो व्यय का लेखा संधारित करने के संबंध में हो रही त्रुटियों को भी वो सुधारने के लिए समझाइश भी देते हैं और वो मदद भी करते हैं। सर, व्यय के अलावा और किसी भी प्रकार की शिकायत को कहाँ और कैसे किया जा सकता है? इसके लिए प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में शिकायत सेल का गठन किया गया है, और इस शिकायत सेल में कोई भी व्यक्ति, मैं अभ्यर्थी नहीं कहूँगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी प्रकार के आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो रहा है या कतिपय शासकीय संपत्तियों पर विरूपण किया जा रहा है, शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो ऐसी शिकायतें रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में बनाए गए जो शिकायत केंद्र हैं वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित निगमों के आयुक्त या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी इसकी सीधी शिकायत कर सकते हैं। सर, शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है?
ऐसा बिल्कुल है, शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रहता है यदि वो केवल टेलीफोनिकली या इस तरह की शिकायत करता है। यदि लिखित में शिकायत की जाती है तो उसकी लिखित में शिकायत की जांच जो है वो जांच टीम या संपत्ति विरूपण के लिए लगाई गई टीम के द्वारा की जाती है। यथासंभव ऐसे व्यक्ति जो शिकायत करता है उनकी जानकारी किसी अन्य को नहीं दी जाती। सर एक भ्रमित करने वाली जानकारी भी सुनने में आ रही है अभ्यर्थियों के द्वारा कि वो पर्ची नहीं बांट सकते हैं किसी प्रकार का, उसको किस प्रकार के नियम? नगरपालिका निर्वाचन नियम में उन स्पष्ट प्रावधान है कि मतदाता पर्चियां अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता संबंधित मतदाताओं को दे सकते हैं। इसमें स्पष्ट है कि यदि कोई अभ्यर्थी या उनका निर्वाचन अभिकर्ता मतदाताओं को मतदाता पर्ची प्रदाय करता है तो वो सादे पेपर, प्लेन पेपर, वाइट पेपर पे होना चाहिए जिस पर के पर मतदाता का नाम, उसका वार्ड क्रमांक भाग नंबर, उसका वार्ड क्रमांक भाग नंबर और उसका मतदाता का सरल क्रमांक, ये उल्लिखित रहता है। ऐसी पर्चियों पर किसी प्रकार से अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन प्रतीकों का उल्लेख नहीं रहना चाहिए। डिजिटल विज्ञापन जो चल रहे हैं उसके संबंध में कैसे डिजिटल विज्ञापन जो चल रहे हैं इसमें अभ्यर्थियों से ये हम जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से आग्रह करते हैं कि वे ऐसे विज्ञापन जो डिजिटल मोड पर चलाना चाहते हैं वो जिला स्तर पर गठित MCMC कमेटी जो है जिसके अध्यक्ष कलेक्टर महोदय हैं और जिसके सचिव जो हमारे PRO हैं वो हैं, और इसमें स्वतंत्र रूप से एक जो प्रेस के मीडिया के साथी हैं उनको भी सदस्य के रूप में रखा गया है। ये कमेटी बनी हुई है, यदि कोई व्यक्ति अपना इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रचार प्रसार करना चाहता है तो वह अपने कंटेंट को इनसे MCMC कमेटी से अप्रूव करा के चला सकता है। यदि ऐसे अभ्यर्थी जो बिना अप्रूवल के चला रहे हैं उन्हें हमने नोटिस दिया हुआ है, नोटिस का जवाब आते ही उन पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे खर्चों का विवरण जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से की जा रही है उसे भी अभ्यर्थी को अपने वैलेखा रजिस्टर पर दर्ज करना चाहिए।